अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। सो अभी समीर नीचे गए हैं, मतलब अभी नहीं गए हैं, वो 2 बजे गए और अभी 5 बज रहे हैं, अभी तक आए नहीं है। उनके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं नीचे, तो वो उन्हीं के साथ में बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, तो वो गए हैं नीचे और फ़ोन करे थे कि मुझे रेडी होने के लिए, मतलब बोल के रखा था उन्होंने, जैसे ही मैं रेडी हो जाऊँ उनको कॉल करने के लिए बोले हैं। और मुझे ईजान को खाना खिलाना था, नहलाना था, सुलाना था, मेरा ये तीनों काम हो गया है। ईजान को खाना भी खिला दिया, ईजान को नहला भी दिया, ईजान की नींद भी पूरी कर ली, वो भी सो के भी उठ गया और अभी भाई और भाभी के पास बाहर बैठा है। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को मेरा आउटफिट दिखाती हूँ आज का। सो ये है मेरा आज का आउटफिट, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है ये नायरा कट, बस वही है ये भी, ये देखिए नायरा कट है पूरा। मैंने बस टॉप लिया है, इसके नीचे पैंट भी आ रही है, लेकिन प्लाजो भी आ रही है, पैंट भी आ रही है, लेकिन मुझे टॉप ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने सोची थी कि मैं लेगिंग्स पे पहनूं, क्योंकि मुझे लेगिंग्स और कुर्ती बहुत अच्छी लगती है। तो बस ये है मेरा आज का आउटफिट, कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताना। और नायरा कट की एक्चुअली कट जो है ना वो यहाँ से होती है, लेकिन मेरे वाली की है ना एकदम नीचे से, यहाँ से, और इतना बड़ा भी है वो, अच्छा खासा है, यहाँ पर पूरी चून है, तो बहुत बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वैसे मुझे ना ईद के टाइम पे नायरा कट पैटर्न इतना पसंद नहीं आया था, इसके लिए मैंने नहीं ली थी वो। तो चलिए अभी, और समीर जब जा रहे थे ना तब मैं ईजान को खाना खिला रही थी और वो मैं लिफ्ट के पास बैठ के खिला रही थी। अभी ये मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ सोची हूँ। अभी समीर को मैं ऊपर बुलाती हूँ और मैं समीर के साथ में एक छोटा सा प्रैंक करती हूँ, उनको बोलती हूँ कि ईजान लिफ्ट में मतलब चला गया था, अकेला चला गया था, ऊपर चली गई थी लिफ्ट और नीचे चली गई थी, ऐसे बोल के उनको थोड़ा सा प्रैंक करती हूँ उनके साथ में, देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होगा। मेरा तो आप लोग को पता मुझे क्या होता है ना, मुझे ना समीर के सामने ना एक्टिंग ही नहीं आती है करने, और अभी तो थोड़ा सा मुझे सिर्फ रोना पड़ेगा तब उनको जाके वो सच लगेगा, वरना उनको समझ में आएगा कि मैं कुछ भी ऐसे ही बोल रही हूँ। लेकिन नहीं, मुझे उसके लिए ना थोड़ी सी एक्टिंग करना पड़ेगी, लेकिन इशू यही है कि मैं समीर के सामने एक्टिंग कर ही नहीं पाती हूँ। कोई नहीं, चलो फिर भी ट्राई करते हैं। तो अभी क्या करती हूँ, पहले समीर को कॉल करती हूँ, उनको बुलाती हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला था जब आप रेडी होंगे तब कॉल करो, तभी कॉल करके बुलाती हूँ। रेडी तो हूँ, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रैंक करते हैं उनके साथ में। इधर ये मेरा फ़ोन, तो अभी मैं करूँगी समीर को फ़ोन। और समीर को फ़ोन कर रही हूँ मैं अभी, तो ये समीर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, किधर है? हाँ हो गई, हाँ हाँ ईजान भाभी के पास है, बाहर खेल रहा मैं, हो गई, आओ ना जल्दी। हाँ पहला क्वेश्चन जब भी इनको फोन लगाओ ना यही होता है, हो गए आप रेडी, हो गए आप रेडी, इतना ही पूछते रहते हैं जब भी लगाओ, क्योंकि वो बोल के जाते हैं। हम लोग ऐसे अक्सर तो फ़ोन पे बात करते नहीं हैं, लेकिन जब वो नीचे जाते हैं या मुझे बोलते हैं कि फ़ोन करके मुझे बुलाओ, जब आप रेडी हो जाओ तब मुझे फ़ोन करो, तो इसके लिए वो क्वेश्चन होता है। तो चलिए अभी मैं जल्दी से कैमरा सेट करती हूँ। सुनिए, ड्रेसिंग टेबल के यहाँ पर मैंने कैमरा सेट किया है, आप लोग को दिख रहा होगा ना, यहाँ पे बहुत दूर हो जा रहा है शायद, थोड़ा और सेटिंग करती हूँ। देखते अभी वो आएंगे। हो गया रेडी?
थोड़े दिन चार्ज हो जाएंगे ना फिर जाएंगे। दोनों में हजार दो तो ज्यादा हो गई। साइलेंट क्यों? ओए क्या हुआ? रो रो क्या हुआ क्या? अरे अरे क्या हुआ? दुख रहा है क्या? तकलीफ हो रही है? पेट दुख रहा है? पेट दुख रहा है? और रो रहे क्यों? क्या हुआ? फिर क्या हुआ? क्या रो क्यों रहे हो? सर दुख रहा है। फिर लेकिन रो क्यों रहे हो तुम पागल? क्या हुआ क्या? वो कुछ बोला क्या? फिर क्या हुआ क्या? पता बोलो ना क्या हुआ? क्या हुआ क्या? हम शांत हो जाओ पहला। किसी को बोला क्या? कैसे? मना किया था कि उसको वहाँ पे मत लेके जाओ लिफ्ट के वहाँ पे। मैंने बोला था ना कि लिफ्ट बहुत जल्दी बंद होती है, वहाँ पे मत लेके जाओ। फिर आपका ध्यान किधर था? वो बच्चे लोग को देख रही थी, लोग उधर जा रहे थे। तो कौन से बच्चे लोग? फिर कैसे क्या हुआ क्या? वो अंदर कैसे गया पता ही नहीं, गया और एक फ्लोर पे चली गई थी वहाँ से। फिर मैंने दबाई और इतना रोने का आवाज आ रहा था उसका। ऑब्वियसली फरा डरेगा, वो कितनी बड़ी लिफ्ट है अंदर। फिर वो नीचे आया, फिर भी रुकी नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर पे गई।
नीचे जाके लेके आए उसको, बहुत रो रहा था। डर गया होगा ना बहुत, तो आपने मेरे को फोन क्यों नहीं करे? नहीं समझ रहा था, डर लग रहा था। नहीं पर मैंने आपको मना किया था फरा कि उसको लिफ्ट के पास मत लेके जाओ। हाँ मैंने आपको बोला था ना कि उसको लिफ्ट के पास मत लेके जाओ, कल भी आप उसको वहीं पे लेके रहते खाना खिला रहे थे। अच्छा लग रहा था, लगा भी करने के आपको डरा, बहुत डरा होगा ना? और उससे डरेगा फरा, बड़े भी डर जाते हो, देखो इतनी बड़ी लिफ्ट है ऊपर नीचे होगी तो बच्चा कैसा है। पर अल्लाह का शुक्र है कि उसने किधर हाथ में फिर डाला हो ना, कुछ हुआ नहीं ना इधर को। आप मेरे भरोसे पे छोड़ के जाता हूँ आप, मैंने आपको मना भी किया था। तो आप माँ है ना, आपका ध्यान दे रहे थे फिर उसको। मैंने आपको पहली बार मैंने आपको कल मना करा था ना उसको वहाँ पे लेके जाने के लिए। जान दो अल्लाह का शुक्र है ना, अभी क्या करते हैं, आपकी भी गलती नहीं है, आप पे नहीं सिल रहा मैं। आपको ध्यान देना चाहिए यार उसको वहाँ पे, आप आएंगे तो उसको वहाँ पे लेके जाते हैं, जाओ लिफ्ट के पास में, पहले ही बोल रहा हूँ मैं आपको। चलो ठीक है, पानी पियो, छोड़ दो रो मत, कुछ हुआ नहीं ना आप। हाँ ये करके सबका देंगे अपन, छोड़ दो अपन, ध्यान देते जाओ लिफ्ट कोई ये नहीं है। पर बहुत सारे हादसे होते हैं लिफ्ट के बच्चों के, पता है क्या आपको? शुक्र है अल्लाह का इधर को कुछ हुआ नहीं है। बच्चों को क्या समझता है फरा, और लिफ्ट अपनी घर की ना इतने जल्दी बंद होती है, पता है ना आपको कितनी जल्दी बंद होती है? ऊपर गया था इंसान पूरा, फिर 8th फ्लोर पे, 8th फ्लोर पे से फिर नीचे कैसे गई लिफ्ट? आपको बटन क्यों नहीं प्रेस किया यहां पे? जो मैंने बटन प्रेस की तब से नीचे आई और नीचे रुकी नहीं, लेकिन अपने फ्लोर पे उसने कुछ दबाया होगा। इतना डर गया होगा यार अंदर बच्चा हुआ अकेला ऊपर नीचे हुई तो फिर। और शुक्र है कि वो दरवाजे के पास नहीं आया ना फरा। शुक्र है यार उसको पहला जान माल का सबका दे दो एकदम का। चलो ठीक है आप वो मत, आपकी भी गलती नहीं है, पर ध्यान देते जाओ कि आइंदा से सब मत करते जाओ तुम। क्या उधर लेके जाते हो मत, इतना सा इतना बड़ा घर है, घर पे खिलाओ ना, बाहर लेके जाके क्या उसको खाना खिलाने का आपको? कल भी मैंने आपको मना किया था, जब आपको पता था ना, मैंने कल भी आपको बोला था फरा ध्यान दो, हाँ वो लिफ्ट खुलती है ओपन होती है, और उसमें ये एक ही लिफ्ट ओपन है, वो साइड की लिफ्ट बंद हो गई है, सभी का यहीं से आना जाना हो रहा है, पता है क्या? फोन क्यों नहीं किए? कॉल करने का नाम आया होता ना, टाइम से थोड़ी ना समझता, नहीं समझ रहा था मैं खुद अपने स्मृति में, आपको क्या फोन करूं? अरे तो कॉल करने का, डर गई थी मैं भी, आपको भी क्यों परेशान करो?
नीचे से किसने लाया उसको? अजान हो रही थी और मुझे वीडियो जल्दी से ख़त्म भी करना था, इसके लिए मैंने समीर को बता दी कि ये प्रैंक था। और ये देखो इनके, इनका रिएक्शन देखा ना आपने, मुझे लगा था कि ये रो पड़ेंगे। रो पड़ने की बात नहीं, मेरे दिमाग में से जा नहीं रहा था कि ईजान, मैं पूरा इमेजिन कर रहा था कि ईजान कैसे लिफ्ट में था, क्या कर रहा था, अकेला बच्चा, उसको कुछ पता नहीं है। और आइंदा से ना अगर प्रैंक करना ना तो हम दोनों के ऊपर करना, ईजान का लेके मेरे को कुछ प्रैंक मत करना। और कौने फिर अपने अपने फैमिली में कि ईजान मैं ही हूं ना आपके साथ प्रैंक के लिए, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता ईजान का अगर कुछ भी सुना ना, क्योंकि इन्होंने जो टॉपिक लिया है ना वो इनको पता था। मैंने कल ही इनको वहाँ पे मना किया था क्योंकि वहीं पे ईजान को लेके खेल रहे थे ये। एक्चुअली ये बात सही है, कल मैं उधर ही बैठ के ईजान को खाना खिला रही थी और समीर ने मुझे वार्न भी किया था कि फरा ऐसे मत करो, क्योंकि थोड़ा भी अगर आपका ध्यान हट गया, लिफ्ट आ गई, ईजान चला गया, बहुत दिक्कत हो जाएंगी। और एक तो वो लिफ्ट का दरवाजा पता है ना एकदम, अगर बच्चे होते हैं ना, अगर घर के पास में अगर लिफ्ट होती है तो बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। मैंने खुद ऐसे वीडियोस देखा है बच्चों के साथ में, पता है कि बिना बोले बच्चे चले जाते हैं, कुछ भी दबा देते हैं। लेकिन अभी अपने बच्चे का हाथ नहीं जाता ऊपर, तो टेंशन की बात नहीं है। लिफ्ट बहुत ज्यादा सेफ्टी है और ईजान तो छोटा है, वो तो ऐसे जा नहीं सकता क्योंकि ऐसे खुलती नहीं है जब तक अपन बुलाते नहीं। फिर भी ये वीडियो तो देखो फरा ने अभी प्रैंक किया, लेकिन आप लोग भी ध्यान देते रहना। अगर आपके घर के पास में ही अगर लिफ्ट है तो बच्चे डर जाते हैं, वो उनको क्या पता है क्या है, वो सीधा चले जाएंगे अंदर। इसीलिए हाँ। आप लोग भी ध्यान देते रहना, आप भी ध्यान देना। हाँ, इनको भी मैंने बोला है, लेकिन मैं ध्यान देता रहूंगा, आपको भी सिखाऊंगा क्या सिखाऊंगा, ध्यान देते रहना। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टॉपिक ऐसा चुना ना कि मैं उसमें कुछ ये भी नहीं कर सकता था, और उसमें रो रहे थे ना, मेरे को लगा कि सच में शायद हुआ होगा इनसे ये गलती। अच्छा ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।